आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायक एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर नगर निगम पार्क में किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायक एसोसिएशन द्वारा आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य ने सरकार द्वारा अपनी मांगों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यदि सरकार द्वारा 62 वर्ष उम्र पार कर चुकी जिन बहनों को सरकार द्वारा निकाला गया है, उस आदेश को यदि सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। सरकार को शासन सत्ता की कुर्सी से उतारने का काम भी किया जाएगा, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े। गीतांजलि मौर्य ने कहा कि 62 वर्ष पार कर चुकी आंगनबाड़ी की उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की जाए और उनकी निवृत्ति के उपरांत पेंशन फंड नियामक और विकास आयोग से 5 लाख रुपए सरकार द्वारा विदाई उपहार दिया जाए या सहायिका के लिए 5,000 मासिक दिया जाए। और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां कार्यरत हैं, एक अपने विभागीय कार्यों के अलावा कई सारे विभागों का कार्य एक ही समय में एक ही साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दे दिया गया, जिसका ना कोई पारिश्रमिक है ना तो कोई उसका कुछ पैसा है, तो इस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जब तक कार्यरत हैं, हाड़ तोड़ मेहनत करके कार्य कर रही है, आए दिन अधिकारियों का इतना दबाव, इतना प्रेशर है, और जैसे ही 62 साल की उम्र पार हो रही है, वो 2012 के एक विवादित आदेश पर, जिस पर अभी तक विवाद चल रहा है, वो कोर्ट में विचाराधीन है, उस आदेश के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इस कोरोना के समय में, जब सभी लोग खाने के मोहताज थे, अपने घरों में रोजगार के लिए बेरोजगार बैठे हुए थे, उस समय इन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 62 साल की उम्र पर रिटायर कर दिया गया है जबरन। उसके साथ ही इतने सारे विभागों के कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को एक साथ एक समय में ना सौंपे जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जो सहायिकाएं हैं उनको BLO की ड्यूटी दे दी गई, जो कक्षा 5 पास है, कक्षा 8 पास है, ऐसी कार्यकर्तियां, ऐसी सहायिकाएं BLO का कार्य कैसे करेंगी? ये एक अजीब व्यवस्था है, अजीब सरकार की विडंबना है। अगर सरकार इस सारे अपने गलत आदेशों को वापस नहीं करती है, कार्य कराए, हम सब कार्य करने को तैयार है, लेकिन एक समय में किसी एक कार्य को कराए और उसका पारिश्रमिक दे, तब यह औचित्य है। और नहीं तो इस तरह से जबरन अगर अपना फरमान जारी करेगी तो आने वाले चुनाव में अच्छा सबक पूरे उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस BJP सरकार को पक्का देंगी।